हेलो एवरी वन टूडे वी स्टार्ट आर फोर्थ पोएम विच इज आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग दिस पोएम इज़ रिटन बाय माया एंजलो ये देखो ये प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ है दिस इज़ अ नॉट मच यूज़फुल अबाउट द पोइट जो अबाउट द पोइट है वो रेफरेंट टू तो कंटेक्स में बहुत हेल्पफुल होता है तो अबाउट द पोइट में हमें पोइट का नाम पता है माया एंजलो ने पोएम लिखी है बॉर्न इन फोर्थ अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी एट ये कौन थी अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर एंड हैज़ रिटन मैनी एसेज पोएम प्ले राइट्स एंड ऑटोबायोग्राफी ठीक है इतना ही जानना ज़रूरी है बस उसके बाद अबाउट द पोएम यह पोएम है किस बारे में मैम दिस पोएम इज अ सिंपल पोएम विथ कम्प्लेक्स थीम जो बेसिकली ये पोएम जो बेस्ड है वो रेस सिस्टम पे बेस्ड है कि कैसे ब्लैक और वाइट रेस में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कैसे वाइट पर्सन जो होते हैं वाइट रेस के मैन होते हैं उन्हें सारी फ्रीडम्स होती है और जो ब्लैक रेस वाले होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते बस अपनी फ्रीडम के लिए ही सॉन्ग्स गा रहे हैं वो इस पोएम में कि हमें आज़ादी चाहिए पर वाइट रेस वाला उनसे बहुत आगे निकल जाता है तो इस पोएम में इसको ही पॉइट ने डिस्क्राइब करा है आज हम पहले पोएम पढ़ते हैं फिर उसके बाद मैं आपको रेफरेंट टू कंटेक्स और एक्सप्लेनेशन के साथ सारे पैसेजेस डिस्कस करेंगे उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेस्स भी डिस्कस करेंगे द पोएम इज आई नो वाई द केज बर्ड सिंग द फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड फ्लोट डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई देखो इस पैसेज में किसकी बात हो रही है वाइट रेस की बात हो रही है कि उनके पास हर चीज की फ्रीडम होती है वाइट रेस की बात हो रही है उसके बाद है देखो सेकंड पैरा बट अ बर्ड बर्डेट स्टॉक डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट्स आर टाइड सो ही ओपन हिज थ्रॉट टू सिंग इस पैसेज में किसकी बात हो रही है ब्लैक रेस की बात हो रही है कि वो कैसे अपनी फ्रीडम के लिए सिंग गाना गा रहे हैं द केज बर्ड सिंग विथ फियरफुल थ्रिल यहाँ केच बर्ड कौन है ब्लैक रेस है ठीक है केज है वो Of the things unknown, but long for still and he's and his tune is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. black race The free bird thinks of another breeze, and the trade winds hoft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. कौन कह रहा है स्काई वाइट रेस कर रही है बात देखो बट अ केज बर्ड स्टैंड ऑन द ऑफ फ्री ड्रीम्स हिज शाउट्स ऑन अ नाइट मेयर सो ही ओपन थ्रॉड टू सिंग यहाँ वही है केज बर्ड की बात करें द केज बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल थ्रिल ऑफ थिंग्स आर नॉन बट लॉन्ग फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंड हिल फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम ठीक है ये पोयम में अभी मैं इसकी आपको शॉर्ट साम और उसके बाद पैसेज वाइज हम इसकी रेफरेंस टू कंटेक्सट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले मैं आपको बताए थे अबाउट द पोएम पोएम में है क्या देखो इस पोएम में एंजलियो एक ब्यूटीफुल यूज़ करती है मेटाफर्स का मेटाफर्स मैंने आपको बताए थे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जो क्यों मेटाफर वो यूज़ कर रही है वो मेटाफर यूज़ करके To portray the sentiments of the black race, she has used the free bird. Free bird as a symbol of white race and the cage bird as a symbol of black race. The white man is like a free bird. He spent his life spend, eating, dancing and making merry. He has not to make any effort and yet he enjoys all the pleasure and comfort enjoys his life. Ke. Wo dream dreams of the highest point of success in life. There are no obstacles in his way. He is free to do whatever he likes. पर जो एक कलर मैन है जो क्या है हमारा केज़ बर्ड जिसे कहा गया वो ब्लैक रेस वो किसके पीछे है बिहाइंड द बार्स ऑफ रेशियल प्रेजोडाइज ये बेसिकली जो ये पोएम बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है रेशियल प्रेजोडाइज पे बिटवीन वाइट एंड ब्लैक ही इज नॉट फ्री टू एक्ट जो ब्लैक रेस के बारे में बोलते हैं इज नॉट फ्री टू एक्ट एज ही लाइक्स हिस् वंग्स है मतलब उसके जो पर है वो कुतर दिए गए हैं और जो उसके पैर है वो बांध दिए गए हैं वो अलाउ ही नहीं है कुछ प्लेसेज पे जाने के लिए वो अलाउ ही नहीं है कुछ प्रोफेशन को देखने के लिए हाउ एवर हिज नोट में डीमोरलाइज वो नहीं हुआ है वो सेम नहीं है टू बींग अ ब्लैक रेस वो अपनी अपनी रेस पर प्राउड कर रहा है दो हिज अ केज चाहे वो बंधा हुआ हो क्यों ना हो ही हैज नॉट लॉस द होप ऑफ द फ्री पर उसके अंदर होप है देखो वो गाना गा रहा है ना उसके अंदर होप है कि वो एक ना एक दिन वो फ्री होगा जैसे हमने एक लाइन भी पढ़ी थी ना डिस्टेंस हिल मतलब वो एक होप को शो करता है ही मतलब कि वो डिमोरलाइज नहीं हुआ है वो स्टॉक कर रहा है इन रेज एंड सिंग द सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम के आजादी के गीत गा रहा है हाउवर देर इज स्ट्रेन ऑफ डीप पेन इन सॉन्ग उसके सॉन्ग में डीप पेन है वो चिल्ला रहा है डीप अपने दिल के दर्द को वो सिंग्स करता है गाने गाता है इन थिंग्स के बारे में दैट ही हैज़ नेवर नोन बट हैज़ ऑलवेज़ लॉन्ग फॉर किस चीज़ के लिए वो लॉन्गिंग कर रहा है किस चीज़ के लिए वो चाह रहा है वो सबसे ज़्यादा चाह रहा है फ्रीडम के लिए ही सिंग्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी के लिए गा रहा है वो किसके लिए गा रहा है लव और रिस्पेक्ट के लिए गा रहा है वो वो गा रहा है बिकॉज ही ही होप टू अटेन जो वो चाहता है जैसे वाइट रेस है देखो वो फ्रीडम है उसके पास वाइट मैन के पास और वो जो करना चाहता है वो कर रहा है अपनी लाइफ के वो जेनित पॉइंट तक पहुंच रहा है वाइट रेस है जो जेनित पॉइंट मतलब कि हायर फुलफिलमेंट ऑफ हायर डिजायर उसके बारे में पर जो ब्लैक रेस है उसके बाद फ्रीडम तो ही नहीं है वो भी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ब्लैक रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं लव की बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है पर वाइट रेस के पास ये सब कुछ है तो वो अपनी लाइफ में हायर जैनिक पॉइंट सोच रहे हैं वो जो ब्लैक जब वो कहते हैं कि जब ब्लैक मैन गाता है फ्रीडम के लिए जो वाइट मैन उस टाइम क्या सोच रहा था ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रॉफिट कि कैसे प्रॉफिट लिया जाए आगे वाइल द केज बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स द वाइट मैन थिंग्स ऑफ फ्लाइंग टू अनदर रीजन वो कह वो तो स्का तक को क्लेम कर लेंगे जो वाइट रेस वाले हैं द केज बट इज कॉन्शियस दैट हिज फीट्स आर टाइर्ड एंड हीज विंग बिन क्लिप्ड मतलब कि जो उसके पर हमको उतर दिए गए हैं हीज कॉन्शियसनेस ऑफ द एट्रॉसिटीज जो हो रही है कमिटेड ऑन हिम मेक हिम गिव आउट फ्राइटिंग क्राइज देर एम बट इंस्पायर टल दिस इन सब के बावजूद ही लॉन्गिंग टू बी फ्री वो वो एक होप के साथ है कि वो फ्री हो जाएगा उसके बाद फ्रीडम मिलेगी एंड हैज नो डाई डाइट डाउन वो डिमोरलाइज नहीं हुआ है बिल्कुल भी ही ओपन हीज थ्रॉट टू सिंग द सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम कैसे डीमोरलाइज नहीं हो हमें कैसे पता लगेगा क्योंकि उसने अपने थ्रोट को ओपन करा है अपनी आवाज़ दी है कि लिए? लिए. Thus, bird, metaphor, bird, किसके लिए आज़ादी के लिए दस थ्रू द मैटरफॉर ऑफ़ द केज बर्ड मैटरफॉर केज बर्ड किसके लिए यूज़ करेगा ब्लैक रेस के लिए द पोइट ब्रिंग्स आउट द हेल्पलेस स्टेट ऑफ द पुअर ब्लैक रेस एंड हिज बर्निंग डिजायर टू कम आउट ऑफ द केज ऑफ स्लेवरी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बाहर है जो बेसिकली ये पोएम का जो थीम है वो क्या है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है और रेशियल ही कह सकते हैं ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक और वाइट रेस के बीच में जहाँ वाइट रेस को तो सारी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ की पर ब्लैक रेस को तो फ्रीडम तक नहीं है तो वो किसने सॉन्ग गा रहे हैं लव के लिए रिस्पेक्ट के लिए फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए ये हमने डिस्कस कर ली ब्रीफ सामरी ऑफ द पोएम की पोएम है किस बारे में ये थे आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए ठीक है हम डिस्कस करते हैं ठीक है आप पैसेज वाइज कि रेफरेंट टू कंटेक्स कैसे लिखना है और क्या करना है तो पैसेज वन क्या कहते हैं द फ्रीबर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंग्स एंड फ्लो डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड डिप हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई ठीक है अब इसमें रेफरेंट टू कंटेक्स आप कैसे लिखोगे दीज लाइन्स हैव बिन टेकन फ्रॉम द पोएम कौन सी है पोएम आई नो वाई द केज बर्ड सिंह और इस पोएम को लिखा किसने है माया अंजलि लिखा है और इसमें जो रेफरेंट टू कंटेस्ट होता है मैंने आपको पहले भी बताया इसमें पोएम का नाम होता है पोइट का नाम होता है और पोएम की बेसिक थीम है कि पोएम है किस बारे में ऑल अबाउट द पोएम को आप टू थ्री लाइन में बता दो कि बेसिक इसमें थीम क्या है इन दिस पोएम द पोइट हैज़ यूज द फ्री बर्ड एज अ सिम्बल ऑफ वाइट रेस एंड केज बर्ड एज अ सिम्बल ऑफ ब्लैक रेस थ्रू दिस सिंबल से शी पोर्ट्रेज द कॉन्ट्राक्ट बिटवीन द लाइफ ऑफ दिज टू रेसिस आप सीधा ये भी लिख सकते हो दीज दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द रेसियल प्रेजोराइज के ऊपर बेस है ठीक है अब आ जाती है एक्सप्लेनेशन इस पैसेज की द फ्री बर्ड लिप्स फ्री बर्ड वाली जो पैसेज वाला ये किस पे वाइट रेस पे है क्योंकि उसको लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज है देखो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं थ्रू द मेटोफर ऑफ द फ्री बर्ड

देखो हेयर द पॉइंट्स इज दर केज बर्ड हैज टू रिमेन कन्फाइंड विद इन द बार्स ऑफ इट केज में रहना पड़ता है द कलर मैन टू इज़ केज बिहाइंड द बार्स ऑफ रेशियल प्रेजोडाइज में है ये ही इज़ नॉट फ्री टू मूव एंड ही इज़ नॉट फ्री टू एक्ट एज ही लाइक्स उसके जो विंग्स है वो क्लिप्ड है और जो उसके फीट है वो बंधे हुए हैं ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर सम प्लेसेज एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर सम प्रोफेशंस

अब है थर्ड पैसेज द केज बर्ड सिंग विथ फियरफुल थ्रिल ऑफ थिंग्स अन बट लॉन्ग फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंस हिल फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम इसमें देखो इसमें रेफरेंट टू कंटेक्स सेम है और एक्सप्लेनेशन में क्या है जहाँ पोइट्स से कहता है जो केज बर्ड है वो डस सिंग बट दिस सॉन्ग इज़ ओनली ओवर श्रिल कराई मतलब कि अपने दर्द को ही गा रहा है वो फ्रीडम के दर्द को गा रहा है क्योंकि उसके पास फ्रीडम तो है ही नहीं जब वो कलर मैन सिंग्स इज वॉइस इको द डीप पेन इन मतलब कि दिल के दर्द को गा रहा है वो करता है उन चीज़ों के बारे में गा रहा है जो उसके पास है नहीं पर वो चाहता है कि उसको आगे फ्यूचर में मिले जैसे कि ही सिंग्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी के लिए गा रहा है ही सिंग्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ही सिंग्स बिकॉज ही हैज़ टू होप उसके बाद एक आशा है टू अटेन वट एवर ही डिजायर कि उसे ये सब कुछ मिल जाएगा ही होप्स डेट डे अनदर मोसिस विल अपीयर होंगे लीड हिस रेस आउट ऑफ द केज ऑफ स्लेवरी स्लेवरी से बाहर लेके जाएंगे ह्यूमिलेशन एंड रेशियल प्रेजरइज ठीक है पैसेज फोर है जो वो क्या है अ फ्रीबर थिंग्स ऑफ अनादर ब्रीज इसमें देखो वही आएगा रेफरेंट टू कंटेक्ट सेम रहेगा एक्सप्लेनेशन में क्या है हेयर द पॉइंट केज़ बर्ड जब केज़ बर्ड के पास कुछ नहीं है वो फ्रीडम की बात कर रहा है तब जो फ्री बर्ड है जो हमारी वाइट रेस है वो करते हैं कि हम स्काई तक को क्लेम कर लेंगे वो थिंग्स ऑफ अन अदर रीजन वेर इट कैन फ्लाई टू एन टेस्ट रिचर एंड स्वीटर फ्रूट्स इन अदर वर्ड वाइज द ब्लैक मैन देखो सिंग्स के रहा है वो फ्रीडम के लिए वाइट मैन थिंग्स ऑफ़ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ और प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है हाइयर पॉइंट के बारे में सोच रहा है आगे पहुँचने के लिए भी हैविंग मोर एंड मोर ट्रीज कट डाउन इन द फॉरेस्ट एंड दस अर्न मोर एंड मोर मनी थ्रू दैम मतलब कि इन वे से बताया है कि वो अपने लाइफ की ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज के बारे में वाइट मैन सोचता है जब ब्लैक मैन सिर्फ अभी फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में सोच रहा है

हेयर द पोइट से वाइट बर्ड है वो थिंग्स ऑफ फ्लाइंग टू अदर अदर रीजन के बारे में जाने के बारे में सोच रहा है स्टैंडर ग्रीव ऑफ अपने जो सपनों की कब्र पे खड़ा हुआ है उसका पिंजरा उसके सपनों की कब्र से कोई कम नहीं है देखो ये बोला गया है यहाँ ऑल हिज ड्रीम सेंटर राउंडिंग ऑफ फ्रीडम फ्रीडम के बारे में सोच रहा है वो बट देअर स्क्रीम्स लिटिल होप ऑफ हिस्स ड्रीम एवर कमिंग ट्रू मतलब कि उसके सच नहीं हुए हैं सबने ऑल हिज फ्रीडम्स हैव बीन बर्डेड एज इफ इन अ ग्रेव कि वो एक ग्रेव में ही है एक अभी एक केज में ही है वो सबको सोच रहे क्योंकि उसके जो सपने हैं वो भी अधूरे हैं ही इज कॉन्शियस दैट हिज फीट आर वो एक सोच रहा है, है उसके पैर जो है बंधे हुए है, हैं उसके पर जो है विंग्स हैं वो स्लिप्ड हो रखे हैं कटे हुए हैं हिज कॉन्शियसनेस ऑफ द एट्रोसिटीज जो वो एट्रोसिटीज दे रहे हैं वाइट रेस उस पर डिस्क्रिमिनेशन की अट्रॉसिटी दे रहे हैं उनको फ्रीडम नहीं दे के उनके ऊपर इतने बड़ा जुल्म कर रहे हैं कमिटेड ऑन हेम मेक्स हिम गिव मोर आउट फ्राइटिंग क्राइज वो चीख रहे हैं इस बात के लिए कि हमारे को आजादी दो हमारे पे जुल्म ना ढाया जाए बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इज लॉन्गिंग टू बी फ्री बट उनका एक होप है उनके पास एक आशा है कि वो एक ना एकदम फ्री होज नो डाई डाउन कम्पलीटली वो एकदम मर नहीं गए हैं कम्पलीटली एंड ही ओपन थ्रॉड वो उन्होंने अपना गला खोला है गाने के लिए विद द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम ओके ये हमने डिस्कस कर लिया रेफरेंस टू कंटेक्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे व्हाट इज मेटाफर गिव्स एग्जांपल फ्रॉम द पोएम देखो एक मेटाफर एक वर्ड और फ्रेज होता है जो यूज होता है इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल यूज़ नॉर्मल यू से डिफरेंट होता है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समबडी एल्स एंड टू शो दैट टू थिंग्स हैव द सेम क्वालिटीज़ कि दो चीज़ों की सेम क्वालिटी जैसे मैं आपको कहूँ वो शेर है पर है तो वो इंसान मैं उसको कहूँ वो इंसान भी है शेर भी तो मैं सीधा अब मैं इसमें डायरेक्ट कम्पेरिजन होता है मेटाफर और सिमली में एक डिफरेंट है मेटाफर में क्या होता है डायरेक्ट कम्पेरिजन होता है और सिमली में जो क्या होता है हमारी उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइक और एज जैसे ही इज़ लाइक अ लॉयन ये सिमली होएगा पर जब मैं कहूंगी ही इज अ लायन ये मेटाफर है तो वो इंसान पर उसके अंदर शेर वाली क्वालिटीज हैं तो वो क्या होएगा मेटाफर आएगा अ मेटाफर मेक द डिस्क्रिप्शन मोर पावरफुल फॉर एग्जाम्पल आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स कि यहां केज बर्ड जो है वो किसके लिए यूज कराया गया मेटाफर ब्लैक रेस के लिए और हमें लग रहा है कि सीधा केज बर्ड बोल दिया गया है ना द केज बर्ड हैज बिन यूज एज अ मेटाफर फॉर अफ्रीकन अमेरिकन हु हैज नो फ्रीडम ब्लैक रेस के लिए जिनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी सेकंड क्वेश्चन अब आता है हाउ इज द एक्शन ऑफ द फ्री बर्ड डिस्क्राइब इन द फर्स्ट टेंजर ऑफ द पोएम मतलब कि फ्री बर्ड का फर्स्ट टेंजर में क्या बताया मतलब कि हमने पढ़ा था कि उसके बाद सारे पोर्ट सब सा, कुछ है उसके बाद देखो ना अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंग ही फ्लोट एफर्टलेसली काम कर रहा है वो उसके जो विंग्स हैं डिप द ऑरेंज रेज ऑफ सन मतलब इवन वो स्काई तक को क्लेम कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है जो उसे पसंद है उसके पाथ पे कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है कोई लिमिटेशन नहीं है उसके मूवमेंट्स पे ठीक है क्वेश्चन थर्ड है व्हाई डज एन इन केज बर्ड विश टू सिंग मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो जो केज बर्ड है ब्लैक रेस है वो गाना क्यों गाना चाहती है क्यों गाना चाहती हैज अ डीप पेन इन हिज हर्ट उसके दिल में बहुत दर्द है ही वॉन्ट्स टू बी फ्री वो फ्री होना चाहती है वो फ्लाई इन द स्काई आसमान में उड़ना चाहते हैं लाइक अदर फ्री बर्ड्स फ्री बर्ड्स कौन है या वाइट रेस है बट इट्स विंग्स है वो क्लिप्ड हो रखे हैं इट हैज बिन पोटिन केज द पुअर बर्ड वॉन्ट्स टू क्राई आउट द पेन ऑफ इट्स हर्ट्स ठीक है पुअर बर्ड क्यों गाना चाहता है अपने दिल का दर्द कम करने के लिए दैट इज वाई द इन केस बट विशेज टू सिंग आप इसमें ये भी वर्ड्स ऐड करते हो तो किस लिए गाना चाहता है फ्रीडम के लिए गाना चाहता है लव के लिए गाना चाहता है रिस्पेक्ट के लिए गाना चाहता है वो इक्वालिटी के लिए गाना चाह है, है न आप ये वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन बार्स ऑफ फ्रेज इन लाइन इलेवन में जो बार्स ऑफ फ्रेज यूज करा गया आप उसका टर्म का मतलब बताओ देखो इन केज बर्ड हैज बीन इम्प्रिज़न इन अ केज मतलब कि केज में गुफा में बंद है वो एक पिंजरे में इट हैज़ टू रिमेन ऑल द टाइम विद इन द बार्स ऑफ़ इट्स केज मतलब कि उसके अंदर ही जाना पड़ता है वो चाहता है आसमान में उड़ना जैसे वाइट रेस उड़ रहे बट वो उड़ नहीं पाता है उस क्योंकि उसके पर जो है वो कतर गए गए हैं उसके जो पैर है वो बांध दिए गए हैं ठीक है वैन द बर्ड्स लुक एट द बार्स ऑफ द केज वो देखता है वो उसका जो हार्ट होता था वो फिल विद ध्रेज मतलब वो क्रॉस से भर जाता है पूरे गुस्से से दे रिमेन दे रिमाइंड द पुअर बर्ड ऑफ इट स्लेवरी मतलब वो देखते हैं गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं वो ठीक है अब होता है वट अकॉर्डिंग टू इज फ्रीडम मतलब कि आपके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है देखो फ्रीडम का मतलब होता है मीन द राइट टू डू और टू सेव वट वांट्स जैसे कि अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें अपना तो उसमें हमारे को फ्रीडम बताया गया फ्रीडम क्या है हमारा अपनी आज़ादी जो हम करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के मतलब कि दैट इज मतलब कि किसी को रिस्ट्रेन ना हम किसी चीज़ पे हमारे रिस्ट्रेन ना हो पर वो ऐसा भी नहीं हो जो कि हमें गैर कानूनी काम करने को मिलता है ऐसा भी नहीं हो मतलब कि जो जायज़ काम है हमारे को उस काम करने की फ्रीडम हो ठीक है सेव वॉट वन वांट्स इट मीन्स हैविंग ऑल दो राइट एट अदर हैव जैसे वाइट रेस की हाँ पोएम की अगर हम बात करें जैसे वाइट रेस के पास राइट है वैसे ब्लैक रेस चाहती है कि उसके पास भी राइट हो बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दीज राइट आर नॉट यूज टू द डिस एडवांटेज ऑफ एनी मतलब वही बात है ना कि ये नहीं कि हम अपने अधिकारों को प्रयोग करें किसी दूसरे के हित में ना हो देखो यहाँ लिखा भी है ठीक है उसके बाद बोला है आर फ्रीडम मस्ट नॉट इन्फ्रिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ एनिम मतलब कि हम अपनी देखो फ्रीडम यूज करने के लिए किसी दूसरे के राइट को नहीं हम कर सकते इन्फ्रिंज नहीं कर सकते जैसे मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये काम बन जाए और मैं दूसरे का राइट छीन रही हूँ ऐसा नहीं कर सकते हम हमें दूसरे की फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट करनी है मैं इक्वालिटी की बात फ्रीडम इज़ मस्ट विद इक्वालिटी ओके वी शुड अलाउ अदर द सेम फ्रीडम एज़ वी वांट फॉर आर सल जैसे हम चाहते हैं वैसे दूसरे को भी सेम फ्रीडम देंगे जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने आज बाहर घूमने जाना तो ये नहीं कि मैं दूसरे को बंद करके कि तू चल मैं तेरी जगह चली जाती हूँ तू यहाँ बैठ रहा है ऐसे नहीं द इक्वल राइट होने चाहिए दोनों के पास देखो वट वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर यूज टू कन्वे द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स के लिए कौन से यूज़ करे गए हैं बार्ज ऑफ रेज हो गए फियरफुल थ्रिल हो गया ग्रेव ऑफ फ्रीडम्स अ नाइट मेयर हिज हीस आर टाइड ये है फीलिंग इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग के लिए यूज़ करे गए हैं देखो सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट अज द केज बर्ड सिंग्स अबाउट मतलब केज बर्ड किसके लिए गा रहे हैं द केज बर्ड क्या है सिंबल कौन है अनफॉर्चुनेट है ब्लैक रेस के बारे में है जो जिन्हें स्लेव समझा जाता है अमेरिकन वाइट जिन्हें समझते हैं बर्ड गा रहे हैं जो उनके पास चीज़ें नहीं हैं पर वो होप है उन्हें मिल जाएगी वो कौन कौन सी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस पर इस क्वेश्चन पर ही पोएम बेस्ड है ना ही सिंग्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी सिंग किसके लिए गा रहे हैं लव और रिस्पेक्ट के लिए गा रहे हैं एंड बिकॉज ही हैज अ होप ऑफ अटेन वट ही डिजायर वो चाहते हैं वो अटेन कर ले उसके लिए गा रहे हैं ही होप दैट वन डे अन अदर मोस विल अपीयर हो लीड्स इज रेस आउट ऑफ द केज बाहर लेके जाएंगे उसे ऑफ स्लेवरी की ह्यूमिलेशन के रेशियल प्रेजडीज की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सेवेंथ ठीक है अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे इसके देखो सेवंथ हो गया था ना हमारा अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पॉइंट क्रिएट अ सेंस ऑफ इंसेलवेंट इन द पोएम में कैसे इंसेलमेंट का जो सेंस क्रिएट कर रहा है वो कैसे बता रहा है कि वो स्लेव slave में स्लेवरी में रह रहा है केज बर्ड कैसे बता रहा है कि ब्लैक रेस पे एट्रोसिटीज हो रही है इस क्वेश्चन का ये मतलब द पॉइंट क्रिएट्समेंट डिपिक्टिंग द प्लाइट ऑफ क्रिएज बर्ड कि एक ब्लैक रेस की वो प्लाइट बता रहा है जो पुअर बर्ड स्टॉक मतलब जो उसके फीट्स जो है वो, फीट वो बांधे गए हैं मतलब कि वो जो करना चाहता है उसके बाद कुछ फ्रीडम नहीं है जो वाइट रेस होती है हायर एरटेनमेंट लाइफ के आगे कुछ बढ़ने की सोच रही है ब्लैक रेस तो अपनी फ्रीडम और इक्वालिटी ही नहीं है उनके पास वो उनके लिए गा रहे हैं ना इनफैक्ट थ्रू द फेट ऑफ इन केज बर्ड से डिपिक्ट करता पॉइडिक्ट प्लाइट ऑफ किसके बारे में डिपिक्ट कर रहा है अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में द कलर्ड मैन ऑफ केज बर्ड जो कलर्ड मैन है जो ब्लैक रेस है वो क्या है केज में बंद है बिहाइंड द बार्स ऑफ किसकी बार्स में रेशियल प्रेजरइस वो वो उनके वो फ्रीडम नहीं है जो वो करना चाहते हैं क्यों नहीं फ्रीडम है क्योंकि उनके पैर कतरे हुए उनके पैर बांधे हुए हैं दैट मीन्स उनके रिजिस्टेंस हैं यानी कि उनके सच में उनके कोई वो हैं ंग्स हैं इंसानों के ब्लैक मैन के इसका मतलब क्या है इस मेटाफॉर यूज करके वो बताना चाहते हैं उन उनपे बहुत सारे रिस्ट्रेन हैं कि उन्हें ये काम नहीं करना देना चाहिए उन उनपे ऐसे रिस्ट्रेन लगा रहे किसने लगा रहे है कि कौन उन उनप अट्रॉसिटी कर वो वाइट रेस कर रहा है ठीक है ही इज नॉट अलाउड टू एंटर नंबर ऑफ प्रोफेशन में नहीं जा सकते हैं वो है इज नॉट पर फिर भी जो ब्लैक रेस है वो डिमोरलाइज नहीं है इज नॉट अम्ड ऑफ बींग अग्रो यह निग्रो वर्ड हम यूज नहीं करेंगे ये इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड या हम क्या यूज़ करेंगे ब्लैक रेस जो हमने पोएम में वर्ड्स होते हैं हम वो ही वर्ड यूज़ करते हैं आप डिप्टो कोई किसी बुक या गाइड में देख के नहीं लिख देंगे आपका पहले आप अपना सेंस बनाओ उस क्वेश्चन का और उस आंसर का क्या है वो यूज़ करो अगर आप एग्जामिनर हो कैसे चेक करोगे ऐसे वर्ड यूज़ करेगा स्टूडेंट्स को तो अच्छा नहीं लगता इंप्रेशन जो पोएम में वर्ड्स हैं जिस जिस थीम पे वो बेस्ड है पोएम आप वैसी वर्ड यूज़ करोगे ठीक है ही इज़ प्राउड ऑफ हिज रेस उसे अपनी रेस पे प्राउड है स्टॉक इन इन केज एंड सिंग द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम के लिए वो गाना गा रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द बर्ड्स इन द पोएम कंपेयर करो कंट्रास्ट करो कि बर्ड्स हैं जो पोएम है उनके बारे में वन फ्री एंड अदर केज है ठीक है कि कैसे फ्रीडम फ्री बर्ड है जो वाइट रेस है उसे कैसे फ्रीडम मिली हुई है और जो केज बर्ड है उस पर कैसे रिस्ट्रेन है इसके बारे में डिस्कस करो इस क्वेश्चन में ये है कि कंपेयर उनमें डिफरेंस बताओ कि क्या है जो फ्री बर्ड है वो फ्लाइंग द ऑरेंज मतलब कि उसके बाद हायर एट्रोसिटीज जो हमने पोएम में पूरा डिस्कस करा है एंड कंट्राक्ट्स हम कर देंगे कैसे उसको टू डिफरेंट मेटाफर यूज़ करेंगे केज बर्ड और फ्री बर्ड के बारे में और इसमें सारी पोएम को हम डिस्कस कर देंगे जहाँ वाइट मैन ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है ब्लैक मैन सिंग्स कौन से गाने गा रहा है फ्रीडम के इक्वालिटी के लव और रिस्पेक्ट के क्योंकि उसके बाद वो चीज़ें नहीं हैं ठीक है ये एक्सप्लेन कर देंगे थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द मेटाफर ऑफ द केज बर्ड यूज़ टू डिपिक्ट प्रिडिकमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन पे भी देखो ना कैसे यूज़ करा है देखो जैसे मैन पे हो रहा है ब्लैक मैन पे हो रही है अट्रॉसिटी वैसे सेम ब्लैक वूमेन पे भी हो रही होगी तो वो ही सेम बात है कि ये क्वेश्चन को बस ऐसे घुमा रखा है वही चीज़ आएगी जो ब्लैक मैन के लिए हमने डिस्कस करा है केज बर्ड अगर वो ब्लैक वुमेन भी है तो वो भी, वो भी केज बर्ड है उस पर भी अट्रॉसिटी और उसके भी विंग्स क्लिप कर गए हैं उसके भी जो फीट्स हैं वो बांधे हुए है। हैं उसे भी अलाउड नहीं है कुछ प्रोफेशंस में आने के लिए ठीक है पर वो प्राउड करती है अपनी रेस के वो भी गाना गा रही है फ्रीडम और इक्वालिटी का ये सब कुछ है उस उसके सॉन्ग में डीप पेन है ठीक है ये हमने ठीक है ये सबको सेम आ जाएगा अब क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सन स्काई विंड्स एंड द हिल्स इसका क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बताओ देखो सन है यूज एज अ सिंबल ऑफ लाइट ऑफ होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ना हमारा क्वेश्चन फोर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द सन है यूज़ एज द सिंबल ऑफ लाइट ऑफ होप द स्काई यूज़ एज सिंबल ऑफ़ होप एंड द विंड्स हैज़ बीन यूज सिम्बल ऑफ फ्री मूवमेंट विंड्स किसकी सिंबल है फ्री मूवमेंट्स की है हिल्स यूज द सिंबल ऑफ सम मॉसिस हु विल फ्री द अफ्रीकन अमेरिकन फ्रॉम देयर स्लेवरी से बचा ले जाएंगे उन्हें हिल्स जो

जो दो हम यहाँ बताएंगे दस थ्रू द सिम्बल्स ऑफ सन स्काई विंड्स एंड हिल्स जो पॉइंट डिपिक्स द कंट्राक्ट बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक रेस पीपल ऑफ अमेरिका के बारे में कंट्रास्ट क्रिएट किया है अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हाट आइडिया डू यू गेट फ्रॉम द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल इन अमेरिका मतलब कि अफ्रीकन अमेरिकन जो पीपल है अमेरिका में आपको क्या आइडिया मिलता है वही आइडिया मिलता है हमने पोएम में जो डिस्कस करा कि उन जो वाइट मैन है उसके पास सारी फ्रीडम उसको लव और रिस्पेक्ट से देखा जाता है पर ब्लैक मैन पे सारी अट्रॉसिटीज हो रही है वो कौन करा है वाइट मैन कर रहा है वो अपनी जो लाइफ है जो वाइट पर्सन होता है जो वाइट रेस है वो कैसे इंजॉय करता है अपनी लाइफ लग्जरियस लाइफ इन्जॉय करता है जो वो करना चाहता है वो वो करता है पर जो ब्लैक रेस है उस पर अट्रॉसिटी है ह्यूमिलेशन है रेशियल प्रेजरडाइज है उसके ऊपर मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है वो हमारी वाइट रेस कर रही है ब्लैक रेस पे इसलिए ब्लैक रेस है वो गाना गा रही है फ्रीडम का पर उसे एक होप है कि उसे एक फ्रीडम उसे मिलेगी इक्वालिटी मिलेगी ठीक है सिक्स क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेट ऑफ द केज बर्थ टू वुमेन वूमेन दाल ऑपरेस्ट पीपल इन इंडिया वो कह रहे हैं अगर हम उसकी बात कर रहे हैं ब्लैक और वाइट रेस की तो इसी कम्प कंपेरिजन में जो केज बैठ वुमेन जो है इंडिया की दालिस हैं जो इंडिया के अनदर अदर पीपल इसमें हमारे को क्या देखने को मिलता है देखो स्टेट ऑफ वुमेन दालिस एंड अदर ऑपरेस्ड पीपल इंडिया नो बेटर देन अ स्टेट ऑफ कह रहे वो जो वुमेन है इंडिया की जो दालिस हैं और अदर ऑप्रेस्ड पीपल हैं ठीक है वो जो हैं क्लासेज हैं ऑपरेस्ड क्लासेज इंडिया की वो बेटर है देन द स्टेट ऑफ केज बर्ड उनसे तो बेटर है देखो वुमेन है क्या उसे इक्वालिटी नहीं है अब काम करने का हर काम में वुमेन भी साथ-साथ आगे बढ़ रही है अब दलित्स को भी उनके राइट अब अब अंडर आर्टिकल 17 में अब अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट कर देते हैं ठीक है और जो अप्रेस पीपल हैं लोग उनके लिए काम कर रहे हैं गवर्नमेंट उनको स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए लॉ बने हैं उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो कह रहे हैं हम तो केज बर्ड से बिल्कुल सही है ना द केज बर्ड रिमेंस इम्प्रिजन इन इट्स केज वो जो केज बर्ड होता है वो तो गुफा में रहता है पर इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है इट फ्लैटर लॉन्ग्स टू फ्री इट्स वो होना चाहता है इट कान ब्रीड द बार्स केज नहीं खोलने चाहते हैं दैन इट गिव्स बैन टू द पेन ऑफ इट्स हर्ट वो एक गाना गा के पता सो इन द केस विध वूमेन द लिस एन अदर ओपरेस्ट पीपल इन इंडिया में था दे रिमेन केज बिहाइंड बार्थ ऑफ हेटर प्रेजोडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन वो फ्री नहीं थे दस इन अ वे देअर विंग्स रिमेन क्लिप्ड एंड द फीट रिमेन टाई देअर एस्पिरीशन रिमेन बारिड इन देयर हर्ट इवन इन देयर सॉन्ग पर अब जो सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही है अब यह ऐसा नहीं है ठीक है अब ये डस फ्रीडम हैव इट्स लिमिटेशन एंड वाई फ्रीडम की कोई लिमिटेशन भी होती है और वाई क्यों देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह रहे फ्रीडम की बात कौन सी फ्रीडम की बात करें कि सब कुछ करने की फ्रीडम हो रहा है अब मेरे को किसी पे गुस्सा आ रहा है अगर मेरे को वो चीज़ पसंद आएगी मैं किसी से छीन लूँगी वो अगर मेरे को किसी गुस्सा है मैं उसको खून कर दूँगी वो कह रहे किस फ्रीडम की वो बात करते हैं क्या फ्रीडम पर कुछ लिमिटेशन हो सकती है हम वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं हम लिमिटेड गवर्नमेंट के स्टेटमेंट है जब गवर्नमेंट का लिमिटेड कंट्रोल पर हमारी फ्रीडम पे थोड़ा तो थो रिस्ट्रेन होना चाहिए ना तो वो यही बात कर रहे हैं कि जो फ्रीडम है उस पर कुछ लिमिटेशन है और क्यों है अगर है तो देखो फ्रीडम डेफिनेटली हैज़ इट लिमिटेशन फ्रीडम इज नॉट अ पर्सनल प्राइवेट अफेयर नहीं होता है फ्रीडम हमारा वी कांट थिंक ऑफ आवर फ्रीडम इन आइसोलेशन देखो अगर हम अपने राइट right को इन्जॉय करना चाहते हैं तो दूसरे की राइट right की भी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ रही है वेन वी हैव अ राइट वी हैव आल्सो अ ड्यूटी ठीक है ना अगर हमारे पे राइट है फ्रीडम इन्जॉय करें तो हमारी ड्यूटी भी हम दूसरे की फ्रीडम को ना रिस्ट्रेन करें तो इसमें यह बात क्या अब फ्रीडम मस्ट नॉट इन्फ्लूस ऑन द फ्रीडम ऑफ अदर्स इट मस्ट नॉट इन डेंजर द सेफ्टी और कंफर्ट ऑफ अदर्स मतलब ये नहीं कि हम अपनी फ्रीडम इन्जॉय करें मैं मेरे को फ्रीडम है सॉन्ग सुनने की मैं ऊंची ऊंची गाने लगा दूंगी जोर जोर की अपने घर में पड़ोसी आंडियों गांडियों को किसी को नहीं मैं सोने दूंगी क्या ऐसे तो नहीं है ना मेरे को अपनी फ्रीडम है पर लिमिट में फ्रीडम है मैं अपनी स्लो आवाज़ में सुनूँ मैं हेडफोन यूज़ करूँ कैसे करूँ ठीक है ना इसलिए बोले कि हमारे को फ्रीडम्स में लिमिटेशंस भी होनी चाहिए ताकि हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट कर सके ऐसे इक्वालिटी प्रिवेल करेगी सोसाइटी में तो आज हमने डिस्कस कर लिया इसके लॉन्ग शॉर्ट और रेफरेंट टू कंटेक्स ये मिसलिनियस टेक्सटल एक्सरसाइज थी आप इसके आंसर देख लेना ये देखो ठीक है ये सारे अब हमने अपनी फोर पोएम डिस्कस के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि टाइटल क्या है ये तो ऐसी है ना वे द टाइटल टेकन फॉर कहाँ से लिया गया है ये आप देख सकते हैं इसके बाद ये सारी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी सो थैंक यू वेरी मच अब हमने आज हमने पोएम कंप्लीट कर ली है अपनी वाई द बर्ड देखो यहाँ पोएम फोर्थ कंप्लीट आई नो वाई द बर्ड सिंग्स थैंक यू